मुझे एक नसीहत चाहिए थी शेख से कि एक मियाँ बीवी है, उनका सवाल है ये कि वो मेरे जरिए पूछ रहे हैं कि उनके जो आपस में ताल्लुक है, एक साल भी नहीं हुआ है उनकी शादी को, लेकिन बहुत इख्तिलाफात हो रहे हैं। और लड़की कहती है कि 2 महीने बाद मुझ पे शक किया गया और मुझे मारा गया, और इस तरह भी कहती है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और सर्व भी वही कर उसी को करना पड़ता है, यानी सब कुछ उसको करना पड़ता है। और लड़के की भी कुछ कंप्लेंट्स है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं है वो, तो इस हालत में हमको किस तरह, मतलब इस सिचुएशन को डील करना चाहिए? खुला ले लेना चाहिए लड़की को या फिर क्या करना चाहिए, ये मुझे पूछना था। जी सर, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल मियाँ बीवी के आपसी अख्तिलाफात से मुतालिक है, तो वो कुछ नसीहत चाहती हैं क्योंकि उन्होंने खास कोई मसला नहीं बताया है कि फला मसला है उसमें शरई हल चाहिए। उमूमी अख्तिलाफात जो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान वही मसला है इनका। तो इसमें सबसे पहली बात तो मियाँ बीवी को ये याद रखना चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो जाना या किसी छोटी मोटी बात पर कोई झगड़ा हो जाना ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। इज्दवाजी जिंदगी में ये नॉर्मल बात है। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे तो छोटी मोटी चीजें आपको वहां पे भी मिलेंगी। सहाबे कराम की जिंदगी को देखेंगे वहां पे भी आपको ये इख्तलाफात मिलेंगे। जितने भी कोई कितना भी नेक हो कितना भी दीनदार हो छोटी मोटी चीजें मियाँ बीवी के दरमियान होना ये नॉर्मल चीज है। इससे पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ का पहला हल तलाक नहीं है, जुदाई नहीं है, वो पहला ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे मियां बीवी उसको पहला ऑप्शन बनाते हैं और ये गलती है। और ऐसे लोग बाद में पछताते भी हैं कि काश कि हमने मामले को किसी तरह से सॉल्व कर लिया होता। तो मियां बीवी के दरमियान तलाक को, जुदाई को पहला ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल उसको आखिरी ऑप्शन बनाना चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर इख्तलाफात होते हैं तो जाहिर है कुछ मसाइल होंगे, कुछ बातें होंगी जिनको लेकर के इख्तलाफ होता होगा, तो मियाँ बीवी को आपस में बैठ करके उस पर डिस्कस करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम में से गलती किसकी है। जिसकी गलती है वो आगे बढ़ करके उसका एहसास करे, उसका एतराफ कर ले और उसे रुजू कर ले। उसका सबसे बेहतरीन हल ये है। एक बहुत बड़ा मुश्किल मियाँ बीवी के अख्तलाफात में ये होता है कि कई दफा बीवी के घर वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं या शौहर के घर वालों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है और मामला बजाय सुलझने के और उलझ जाता है। तो सबसे पहले मियाँ बीवी को समझदारी का सबूत देना चाहिए और अपने मसाइल को बैठ करके उन्हें खुद डिस्कस करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम में से गलती किसकी है। और जाहिर है अगर कोई जो फरीके शानी है अपनी गलती पर वो डटा रहे, उसको ना माने, तो ये मसले का हल नहीं है। ये दोनों फरीक की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठ करके गौर करें और अगर उनको जरूरत पड़े तो किसी से मशवरा भी ले सकते हैं, किसी आलिम दीन से रुजू करके जान सकते हैं कि इसमें शरीयत का क्या हुक्म है और उसकी रोशनी में अपने अख्तलाफात को वो जो है हल करे। चौथी और आखिरी बात कि मियाँ बीवी के अख्तलाफात को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो मियाँ बीवी दोनों ही अपने अपने हुकूक को और अपने अपने हुदूद को, अपने अपने दायरे को पहचाने। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि शौहर की जानिब से ज्यादती होती है, कई दफा होता है कि बीवी की जानिब से ज्यादती होती है, और ये कई दफा ये चीज लाइल्मी की बुनियाद पर होती है। बीवी समझ रही होती है ये फला चीज मेरा हक है जबकि वो उसका हक नहीं होता है, ये शौहर समझ रहा होता है कि ये फला चीज मुझसे मुतालबा क्यों कर रही है, ये तो इसका हक नहीं है जबकि वो उसका हक होता है। तो जौजैन और मियाँ बीवी के हकूक के सिलसिले में हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारे मामलात में जहालत है।
जिसकी वजह से ये इख्तलाफात होते हैं, कहीं पर इफरात है कहीं पर तफरीत है। तो मैं, मेरी नसीहत आपसे ये होगी कि वो जिनका भी मसला है आप उनको हमारे इस स्ट्रीम में भी लाइए, और अगर कोई बहुत सेक्रेट मामला ना हो तो यहां पर वो उस बारे में सवाल भी कर सकते हैं, सवाल ना भी करे तो यहां पर हमारी गुफ्तगू सुन सकते हैं। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम जो है मियां बीवी के हुकूक के सिलसिले में ही चल रही है। और आप ये यकीन रखें, चाहे मियां बीवी हो या दूसरे आपके जो है मुताल्लिकीन हो, इख्तलाफात उसी वक्त खत्म हो सकते हैं जब हर फरीक अपने अपने दायरे में रह करके फरीके सानी के हुकूक को अदा करेगा, तब इख्तलाफात हल होंगे। ना तो आप दूसरे पर जुल्म करें ना दूसरा आप पर जुल्म करे, यही एक हल है इख्तलाफात को खत्म करने का। एक आखिरी बात कि देखिए, जब मियां बीवी साथ में रहते हैं तो अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बात ना हो कि जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आदमी को नजरअंदाज करके काम लेना चाहिए। कई चीजों में आदमी को कंप्रोमाइज करना होता है, लेकिन ये याद रहे कि कंप्रोमाइज का भी एक दायरा होता है, उसके कुछ हदूद होते हैं। तो जहां पर कंप्रोमाइज करके आप जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, वहां पे जो है हठधर्मी वाला या जो है बहुत सख्त रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। जो भी कोई भी आदमी जिसको तजर्बा है इसका, वो ये बात बता सकता है कि तमाम रिश्ते कंप्रोमाइज के बगैर रिश्ते नहीं चलते हैं। अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल मैं जो है तराजू के कांटे की तरह से नापूंगा और तौलूंगा, तो इस तरह रिश्ते नहीं चलते हैं। तो कंप्रोमाइज करना, नजरअंदाज करना, अफो दरगुजर करना, ये जरूरी है मियां बीवी के रिश्ते में भी, बल्कि तमाम रिश्तों में। तो इन सारी चीजों का अगर कोई ख्याल रखे तो इंशाल्लाह मसाइल हल हो सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख जी। सिस्टर जी, जज़ाकल्लाह। शौहर अपनी बीवी को फोर्स कर सकता है ना हिजाब करने पर? बिल्कुल फोर्स कर सकता है, क्योंकि हिजाब करना एक शरई मसला है, और हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि ये शौहर की जिम्मेदारी है, और बल्कि ये बीवी का हक है कि उसको, अगर वो बेहिजाबी का मुजाहरा कर रही है तो ये बीवी का हक है कि शौहर उसको फोर्स करे हिजाब करने पर। अगर वो नहीं मान रही है तो वो सख्ती भी कर सकता है, और अगर वो फिर भी नहीं मान रही है तो ऐसी सूरत में तो उसे शरीयत ने इख्तियार भी दिया है, क्योंकि बेहिजाबी ये गुनाह है। अगर वो गुनाह पर इसरार कर रही है तो बाद में उसको इख्तियार भी है कि भाई उससे अलहदगी भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि अलाहदगी इख्तियार करने को पहला ऑप्शन ना बनाए, उसको आखिरी ऑप्शन बनाए। वाज़े है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर जी। सिस्टर जज़ाकल्लाहु खैर, वो बिल्कुल वाज़े है। बस एक बात यह कहनी थी कि अब हमारा ये माइंडसेट है इस्लामिक, लेकिन वो दोनों का ऐसा नहीं है, तो उनको मैं ये बात कैसे समझाऊं आप जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं? भाई अगर दोनों का नहीं है इस्लामिक माइंडसेट, तब तो उनके दरमियान कोई मसला ही नहीं होगा। वो हिजाब नहीं करती है, शौहर को कोई एतराज नहीं होगा, दोनों गुनहगार होंगे। और अगर उन दोनों में से एक जो है दीनदार है, दीनी मिजाज का है, दूसरा बेदीन है, तो वहां पर भी परेशानी होगी। ऐसी सूरत में अगर आप वहां पर इन्वॉल्व हैं तो आप दोनों को समझाइए, आप उनको समझाइए कि आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जिसे आपको फॉलो करना होगा। शेख वो भाई तो मेरे गैर महरम है, उनको समझा सकती मैं? नहीं, अगर जो है उनके सामने अगर वो औरत जो है उनकी बीवी, उनकी मौजूदगी में अगर सख्त जरूरत हो तो आप समझा सकती हैं। बस ऐसा नहीं है कि आप उनसे जो है तन्हाई में बात करें, या जो है वो गुफ्तगू ऐसी हो कि आप जो है दूसरे मौजूदात में दाखिल हो जाएं। अगर जरूरत है, सख्त जरूरत, और आपको लगता है कि आपके समझाने से मसला हल हो सकता है, तो दोनों को बैठा करके आप समझा सकती हैं। जी, जज़ाकअल्लाह खैर।